ईशान किशन की वजह से बड़ा हंगामा, 5 टीमें खरीदने के लिए हुई पागल, 20 करोड़ की लगी बोली। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 में खेले थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने ईशान किशन को रिलीज करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल मुंबई इंडियंस को नहीं लगता कि ईशान किशन उनकी टीम के लिए आने वाले सीजन्स में अब काबिल होंगे, तो ईशान किशन को रिलीज करने वाली है। ऐसे में वो ईशान किशन जो भारत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चल रहे हैं, वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया में वापसी करने के लिए बेताब है, उसे खरीदने के लिए 5 टीमें पागल हो गई है। 5 टीमों ने पहले ही ईशान किशन को खरीदने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है और 20 करोड़ की बोली लगाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन ईशान किशन किस टीम को मिलेंगे और कौन कौन सी टीमें ईशान किशन को अपने पाले में शामिल करना चाहती है, आगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी की टीम ईशान किशन को लेने के लिए बेताब है। आरसीबी की टीम चाहती है कि ईशान किशन उनके पाले में आ जाए। दरअसल आईपीएल 2025 में फाफ डुप्लेसी आरसीबी की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में आरसीबी की टीम को एक ओपनर की तलाश है, और अगर आरसीबी की टीम को एक विकेट कीपर बल्लेबाज मिल जाता है तो वो और बेहतर होगा। तो आरसीबी की टीम ईशान किशन को खरीदना चाहती है। आरसीबी की टीम ईशान किशन को खरीदने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। विराट कोहली ने भी कह दिया है कि ईशान किशन अगर टीम में आते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी बेहद ही टैलेंटेड है, और अगर इसे एक ऐसा मंच मिल गया जहां पर इसे खेलकर अच्छा लगेगा, वहां पर तो ये खिलाड़ी धूम मचा सकता है। दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को भी एक बेहतरीन ओपनर की तलाश है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर दोनों को ही रिलीज करने के मूड में है। तो पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को अच्छे ओपनर की तलाश होगी, तो दिल्ली कैपिटल्स ईशान किशन पर दाव लगा सकती है। खबरों के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स ईशान किशन के संपर्क में है और उन्हें अपने पाले में लेना चाहती है। हालांकि इस टीम में ऋषभ पंत पहले से ही मौजूद हैं, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो हो सकता है कि ईशान किशन शायद वहां पर सिर्फ बल्लेबाजी करते नजर आए और वहां पर उन्हें फील्डिंग करनी पड़े, ना कि विकेट कीपिंग में मौका मिलेगा। पंजाब किंग्स। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स भी अगले सीजन के लिए एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी टीम में चाहती है। जॉनी बेस्टो इस टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जॉनी बेस्टो एक विदेशी खिलाड़ी है और उनके अवेलेबल होने की उम्मीद कई बार फंस भी जाती है। तो ऐसे में पंजाब की टीम एक देशी भारतीय खिलाड़ी चाहती है जो कि विकेट कीपिंग भी कर सके और बल्लेबाजी भी कर सके, और शिखर धवन के जाने के बाद टीम को ओपनिंग में बल्लेबाज की भी ज़रूरत है, और अगर वो लेफ्ट हैंडर हो तो क्या ही कहने। ऐसे में ईशान किशन पंजाब के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की टीम ईशान किशन पर कितना दाव लगाती है। चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पाले में एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज चाहती है, और वो चाहती है कि एक ऐसा खिलाड़ी टीम में आए जो भारतीय हो, और ईशान किशन बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अगर ईशान किशन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे तो टीम को एक अच्छा लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये दोनों खिलाड़ी मिलकर अच्छा कर सकते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी की देखरेख में ईशान किशन का करियर और ज़्यादा संवर सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की टीम भी ईशान किशन को लेने के लिए तैयार ही है, क्योंकि लखनऊ की टीम को एक अच्छा ओपनिंग बल्लेबाज चाहिए। हो सकता है कि वो क्विंटन डीकॉक को रिलीज कर दे और वहां पर एक लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, तो वहां पे ईशान किशन बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 टीमें ईशान किशन को लेने के लिए तैयार है। इन 5 टीमों ने प्लान बना लिया है कि ईशान किशन के ऊपर जरूर दाव लगाया जाएगा। ईशान किशन 15 करोड़ से ऊपर की रकम पहले ही मुंबई इंडियंस के लिए ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार उनकी बोली 20 करोड़ तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम में ईशान किशन को जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो आप हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए।